तो नमस्कार बच्चों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का केमिकल इंजीनियरिंग के इस न्यू चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर सीरीज में, जो हम लोगों का एक इंटरव्यू स्टार्ट होना है कल से, कल मतलब 9 अक्टूबर से। तो उसके लिए कुछ इंटरव्यू गाइडेंस के सेशन की डिमांड थी स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उन सभी दोस्तों के लिए ये इंटरव्यू गाइडेंस सेशन मैंने रखा है। और इस इंटरव्यू गाइडेंस सेशन के लिए मेरे साथ प्रेजेंट है राम सिंह, जो कि ये IIT रुड़की में मेरे जूनियर रहे हैं और इस टाइम पे करेंटली ऑलरेडी लेक्चरर हैं इस पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में। मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। इन्होंने बीटेक अपना MIT मुरादाबाद से कंप्लीट किया था, फिर 2013 से 15 में इन्होंने MTech IIT रुड़की ज्वाइन किया था। देन वहीं IIT रुड़की से इन्होंने PhD कंटिन्यू किया था। PhD का जब लास्ट टाइम चल रहा था, उसी टाइम पे ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जब ये नोटिफिकेशन आया था 2014 में, तब उसके 5 साल बाद फिर इसका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। और ये शायद इंटरव्यू हुआ था मार्च 2021 में। तो जब मार्च 2021 में इंटरव्यू हुआ, तब उस टाइम पे कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए ये फर्स्ट इंस्टेंट ऐसा है जब रिटन एग्जाम हुआ है। इससे पहले रिटन एग्जाम नहीं, डायरेक्ट कुछ मार्क्स के बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, और उस शॉर्ट लिस्टिंग से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे उनका इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है रिटन वाला, वो तो कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोगों का लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में नोटिफिकेशन आया था। देन इसके बाद अभी 13 अगस्त को हम लोगों का रिटन हुआ। 1 मंथ के अंदर ही उसका रिजल्ट भी आ गया, और अब फाइनली 9 अक्टूबर से कुछ 12 या 13 अक्टूबर तक इसके इंटरव्यू भी होने हैं। कल फर्स्ट डे है इंटरव्यू का, इसलिए सडन आज ही मुझे ये इंटरव्यू सीरीज प्रोवाइड करनी पड़ी। और थोड़ा सा इशू भी था, सर जहां पर है वहां पर लाइट का इशू था, बट फिर भी उसकी वजह से मैंने बोला नहीं अर्जेंट है, और आज ही ये कुछ बच्चों को जिनका कल इंटरव्यू है उनको एक गाइडेंस मिले। तो वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म राम सिंह। नमस्कार नमस्कार। सर। सो सॉरी, बहुत अर्जेंट में आपको मुझे कॉल करके सडन ज्वाइन कराना पड़ा, क्योंकि एक बच्चे ने आज, मैंने एक शॉर्ट्स दिया, उस शॉर्ट्स में बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरा इंटरव्यू कल ही है, तो इसलिए मुझे फिर आपको कॉल करके सडन बुलाना पड़ा। बट आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी थी इसके लिए कि एक सेशन रखेंगे। तो राम सिंह, आपने 2021 मार्च में ये अलाहाबाद में शायद इंटरव्यू हुआ था, तो वो इंटरव्यू आपने दिया था। मार्च 2021 में तो इसका इंटरव्यू का डेट 2 अक्टूबर 2 मार्च को, 2 मार्च 2021 को आ गया था। तो ये 8 से 20 मार्च तक अराउंड इंटरव्यू चला था। तो 25 मार्च को हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यूपीएससी मतलब 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। ने निकाल दिया था। हाँ, विद इन अ मंथ उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। तो मतलब तो जैसे उसके अभी बाद अक्टूबर में। अराउंड हाँ उसके बाद अराउंड 7 to 8 मंथ में उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी थी। वाह, तो हमारी मतलब ज्वाइनिंग जैसे अक्टूबर अक्टूबर अभी दो हजार इंटरव्यू इक्कीस में चल हो रहे गई हैं, तो क्या दिवाली तक थी। रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएंगे? हाँ, रिजल्ट तो आई थिंक आ जाएगा, क्योंकि बाकी भी देखा गया, मैकेनिकल का जो ज्वाइनिंग हुआ है उनका भी रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया था। तो विद इन अ मंथ उनका भी आ गया था रिजल्ट। तो जल्दी ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो जैसा मैंने और अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और लोकसभा चुनाव हाँ, 2024 में होगा। ऐसा हम मान सकते हैं, मोस्टली चांसेस हैं। बाकी तो डिपेंड करता है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है, क्योंकि गजेटेड पोस्ट ही ये है, तो इस वजह से ये पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही ज्वाइनिंग देते हैं। तो जिन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन और टाइमली अगर हो जाता है तो उन्हीं लोगों की ज्वाइनिंग मतलब टाइमली आएगी, अदरवाइज डिले भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन लिस्ट सेम है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है तो वो डिले भी कर सकते हैं, आपको रोक के बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा होता है हर लिस्ट में। जैसे रिजल्ट आ जाएगा अभी दिवाली से पहले, मतलब नवंबर में रिजल्ट तो कंफर्म आ जाएगा, तो हाँ, कंफर्म आ जाएगा। मे बी बेटा ये हो सकता है गवर्नमेंट को एक बेनिफिट तो हो ही जाएगा। एटलीस्ट जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसका वोट तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ये हो सकता है कि आपका लोकसभा चुनाव से पहले सिलेक्शन भी हो जाए, मतलब आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। सिलेक्शन तो हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी ज्वाइनिंग हो हो पाएगी सकती नहीं है। हो पाएगी थोड़ा सा
देखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है और उसमें कम से कम 6 महीने तो टाइम चाहिए चाहिए आपके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल कराते हैं वो, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग प्रोसीजर शुरू। अच्छा, जैसे आपने बताया 2 मार्च 2021 को आपका इंटरव्यू हुआ था और ज्वाइनिंग आपने किस डेट में किया? नहीं, 2 मार्च 2021 को हमें नोटिफिकेशन मिला था कि इंटरव्यू हमारा कब है। ओके, हाँ, इंटरव्यू मेरा 16 मार्च को हुआ था। ओके, 16th of March 2021 और 25th को हम लोग का रिजल्ट आ गया था। और 8 मार्च से स्टार्ट हुआ थे आपके, 22 अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो गई थी। हाँ, वो तो हमने थोड़ा लेट किया था ड्यू टू पीएचडी, अदरवाइज ज्वाइनिंग तो मतलब 6 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो गई थी हमारे बैच वालों ने, सब लोगों ने 6 अक्टूबर 2021 से ज्वाइनिंग की थी। तो मींस मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा लेट किया था। 2 ईयर आपका 2 ईयर ज्वाइनिंग एनिवर्सरी आने वाला है आपका। चलिए, हां मतलब कंप्लीट होने वाला नहीं है। पहली मैंने कांग्रेचुलेशन तो फाइनली एक अच्छा। एक और बात, कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कुछ NPCIL में ऑलरेडी अभी जॉब पाए हुए हैं, वो जॉब कर रहे हैं। एक दो स्टूडेंट बार्क में भी है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ स्टूडेंट हैं जो IOCL का वेट कर रहे हैं, उनका टॉप 100 रैंक है इस बार गेट में। तो आपको मतलब क्या लगता है कि NPCIL BRC जैसा गवर्नमेंट का इंटरप्राइज है या फिर PSU है, इसको छोड़ के पॉलिटेक्निक लेक्चरर ये ज्वाइन करना उनके लिए सही रहेगा? एक्चुअली सर, ये दो मतलब दोनों अलग चीजें हैं। जैसे अगर आपको पैसा को, पैसे को अगर प्रायोरिटी अगर देना है तब तो वो जॉब ज्यादा बेटर है। अगर आप सुकून को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो लेक्चरर वाली जॉब ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें मेनली क्या है, जैसे AICT लगा है, पहले पॉलिटेक्निक्स में AICT लागू नहीं था, तो इसमें टाइमली प्रमोशन वगैरह जो भी था, जैसे HOD बनते थे, फिर प्रिंसिपल बनते थे, ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते थे वैसे वैसे आपका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन अब AICT लगने के साथ ही इन्होंने रूल ये है कि आपको कोई प्रमोशन आपका नहीं होगा, वो ग्रेड चेंज होगा लेकिन प्रमोशन आप मतलब HOD नहीं बनाए जाओगे डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको दोबारा UPSC से वैकेंसी निकलेंगी, उस पर रिटर्न देना पड़ेगा, फिर आपका मतलब अगेन एक फ्रेश सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा आगे आपको अपना प्रमोट होने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें मतलब हर कोई अगर कंसीडर करके चले तो ठीक है, और बाकी तो हर किसी का अपना एक अलग डिसीजन होता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है सर, AICT लगना चाहिए। आप लाइव में ऐसा और बोलिए, लेकिन क्योंकि तो कई लोग होंगे वो भी देख रहे होंगे तो वो कहीं आपका अपोज ना करने लग जाए। खैर, जो भी है देखिए, वो मैं ये तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को मतलब क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। राइट, तो मतलब आप हैप्पी हैं अपने इस जॉब में? 2 साल पूरे हो गए और जब भी मेरी आपसे बात हुई तो मुझे तो यही लगा कि आप मतलब अब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। Is it true? वो हाँ सर, एक्चुअली आप किसी भी जॉब में हो सर, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो जॉब अच्छा है बुरा है, मे बी वो आपके लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा ना हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर कितनी भी अच्छी जॉब हो, अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। राम सिंह देव को जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो कहीं भी पहुंच के हैप्पी रहते हैं, उनको जो मिल जाए कि अरे मैं खुश हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक होता है जो प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी वो खुश नहीं है ना। तो ये अपने खुशियां जो होती हैं वो अपने अंदर से होती हैं, आपके डिसाइड करने के ऊपर है कि आप चाहोगे तो हैप्पी हो, नहीं चाहोगे तो आप IOCL के डायरेक्टर भी बन के खुश नहीं रह पाओगे। सही बात, तो ये बात तो सही है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ जिस लिए ये सेशन रखा था बेटा, ये सारा डिस्कशन इसलिए कर रहा था कि आपको एक बेसिक चीजें पता रहे कि क्या कैसे ज्वाइनिंग होती है, कितने टाइम में होती है। उसमें जैसे सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, देन उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। कम से कम 6 मंथ का टाइम लगेगा, जैसे सर की ज्वाइनिंग में लगभग 7 to 8 months 7 month का टाइम लगा था, तो उतना टाइम लगेगा। और रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली का जब
त्योहार आए तब तक इसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो जाए, तो आप हैप्पीली दिवाली एंजॉय कर पाओ। और जो मेरे स्टूडेंट NPCIL BERC या फिर अभी और भी जहां पर भी सिलेक्शन हुआ है ना, वो लोग एक बार इंटरव्यू फेस कर लीजिए और फाइनल ज्वाइनिंग से पहले डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, और भी डिस्कशन करके लीजिएगा, पर्सनली मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिएगा। और कुछ जगह पर आप लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा तो आपका बॉन्ड साइन हुआ होगा और उतने आसानी से आप लीव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप जब इंटरव्यू देने आएंगे तब आपको आपके हाथ में NOC नहीं होगी, तो आपको ये भी बताना होगा कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं बट अभी आपके पास NOC नहीं है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं PSU या कोई गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन कर चुका है तो मेरे से एक बार कॉल पे डिस्कस कर लेना कि क्या क्या आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, उस बेसिस पे है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सच के साथ बढ़िए, सारी चीजें सच बताइएगा कि अगर आप कहीं प्लेस्ड हैं तो सच बताइएगा, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम और ऐसी एडवाइस नहीं दे सकते आपको है ना कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी सही बताएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो राम सिंह, जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को, मेरे जो भी बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं पर और वो भी हैं जो अभी वेट कर रहे हैं, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप वो सारा इंटरव्यू का माहौल, कि इंटरव्यू देने गए कहाँ पर, आपका इंटरव्यू था पैनल में कितने लोग थे, क्या इंटरव्यू हुआ, कितनी देर इंटरव्यू चला और जिस दिन आपका इंटरव्यू था और कितने लोग थे, जो भी आपको याद है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज वो एक बार मेरे ऑडियंस से आप शेयर करो। तो इनिशियली तो जब आपको टाइम स्लॉट दे ही दिया गया होगा, डेट दे दी गई है, कुछ लोगों का 9 को है, कुछ लोगों का 11 को है, तो इसी तरह से वो टाइम स्लॉट दे देते हैं, आपको वहां पहुंचना रहता है। होने के बाद वो वहां पे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो दूसरे रूम में भेज देते हैं, वहां पे आपको एक पर्ची मिलती है जिसपे एक नंबर रहता है। तो बेसिकली उनका मोटिव ये है कि आपको अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां पे डिस्क्लोज नहीं करनी रहती है। तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे फिर आपको वन बाई वन वहां बुलाया जाएगा इंटरव्यू पैनल में, इंटरव्यू कमेटी के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपसे वो नंबर पूछा जाता है, ना कि आपका कोई इंट्रोडक्शन कोई पूछता है। तो कभी भी आपको पहली थिंग तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका रूल ब्रेक होता है, तो वो मे भी हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते, तो ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद वहाँ पे पैनल में ही है कि हमारे पैनल में 3 पर्सन थे, तो एक नॉन टेक थे जो मतलब सिविल वाले ही थे, और 2 टेक्निकल पर्सन थे। और बाकी अगर जैसे OBC/ST कैंडिडेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बस यही सारी चीजें थी जनरली जो बाकी इंटरव्यूज वगैरह में चाहिए होते हैं वही चीजें। अच्छा, तो क्या ये नहीं कहीं ये भी है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो पर्टिकुलर डेट का बना हुआ हो, उसके बाद का हो कि 2023 का हो या पुराना? हाँ, बैक 6 मंथ का ही होना चाहिए, ऐसा है, उससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। ये जो आपने एक नंबर वाला, उसके लिए अगर बाई चांस अगर आपके पास जैसे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो वो बाद में टाइम आपको देते हैं 1 मंथ का, उसमें आप उनको बनवा के दे जमा मतलब कर सकते हैं, मतलब ओल्ड ले जा सकते हैं और न्यू के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आ जाएगा तो आप अप्लाई कर दीजिए। और जो आपने ये नंबर सिस्टम बताया कि नंबर दिया जाता है, तो ऐसा होता है क्या कि यूपी में मेरे मतलब वो मंत्री जी हैं वो ऐसा सोर्स है, तो कहीं सोर्स ना लगवा दिया जाए इसलिए आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, कुछ ये इसलिए हो सकता है क्या? मे भी सर ऐसा हो सकता है, ये तो मतलब उनका प्रोटोकॉल है, एक इंटरव्यू प्रोसीजर UPSC ने अपना रखा है। हम लोग जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने लगभग 20-22 इंटरव्यू तो दिए हैं PSUs में और हर जगह, तो मैंने वहां पर देखा है कि हर जगह हम अपना इंट्रो देते हैं, और यहाँ पर आपने एक नंबर सिस्टम बता दिया, एक नई चीज थी सभी के लिए। क्योंकि वहां पे जनरली जैसे आप एंटर करते हैं वहां पे, तो आपसे वो नंबर पूछ लेंगे, उस नंबर पे ही वो मार्किंग कर देंगे,
आपसे वो इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोलते हैं, वो सीधा ये अगर बोलते हैं तो ये बोलेंगे कि जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आपने बीटेक के बाद क्या किया, जैसे बीटेक बेस का ये जॉब है तो उन्हें पता ही है कि बीटेक तो पर्सन होगा ही, तो बीटेक के बाद आपने क्या किया, बीटेक कब किया, इस तरह से वो पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लेंगे वो। अच्छा, ये नहीं पूछेंगे बीटेक आप किस कॉलेज से। हाँ, ये सब पूछ सकते हैं सर, लेकिन जनरली देखा जाए तो मेरी ना तो मुझसे पूछा गया कि आपने कहाँ से बीटेक किया, ना ही मेरे किसी दोस्तों से, मतलब मेरे जानते में नहीं पूछा गया। तो मे भी हो सकता है वो भी वो डिस्क्लोज ना करवाना चाहते हो, तो जितना मुझे ये लगता है कि जितना वो लोग पूछें उतना ही बताइए तो ज्यादा बेहतर है, और सच बताइए। इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे मेन पार्ट होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज तो वो ऑलरेडी रिटेन के जरिए देख ही चुके हैं वो, तो वो आपका कैसा बिहेवियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, वो उनको देखना है, आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो उनको देखना है। तो मेन जो चीज है वो फोकस कर रहे हैं उसको समझिए, और बाकी कॉन्फिडेंट रहिए, इंटरव्यू तो अच्छा जाएगा ही, आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो टेक्निकल नॉलेज तो ऑलरेडी है ही, और नॉन टेक का भी थोड़ा बहुत। इंटरव्यू तो क्वालिफाई किया है लेकिन 1:3 के आसपास कॉलिंग है, तो कम से कम मतलब एक के रिस्पेक्ट में दो को तो बाहर होना है, एक ही का सिलेक्शन होगा, तो मतलब हल्के में तो नहीं ले सकते। और अच्छा, इसके लिए कुछ ड्रेस कोड वगैरह आपने डिसाइड किया था या कुछ भी पहन के जा सकते हैं? नहीं, फॉर्मल प्रेफर कीजिए, फॉर्मल, बस सब लोग मैंने देखा था कि फॉर्मल में ही आए थे, बाकी तो आपने क्या कैरी किया, किसी भी इंटरव्यू में अच्छा रहता है। हमने सर ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट और शूज या सैंडल, फॉर्मल शूज, फॉर्मल शूज, और टाई वगैरह और ब्लेजर वगैरह? नहीं सर, उसकी आदत भी नहीं है तो अजीब लगता है पहनते हुए, तो मेन ये है कि मेरा मोटिव था कि कॉन्फिडेंट रहे थोड़ा, तो ज्यादा अगर वो लेके चलो आपको आदत नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं रहता ना। तो डॉक्यूमेंट फाइल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ वो पर्ची लेके जाना था? हाँ सर। ओके, ठीक है, फिर आगे का आप एक्सप्लेन करिए, पैनल में कितने लोग थे और आगे क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे हुए? पैनल में 3 लोग थे, तो जो मेन सिविल पर्सन थे तो उन्होंने पहले नंबर पूछा, तो उन्होंने बैठने के लिए बोला, फिर उसके बाद जो टेक्निकल पर्सन थे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो मेनली जो बाकी लोगों से मैंने डिस्कशन जो किया था अपने साथ वालों से, सबसे नॉन टेक के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जनरल क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो जॉब के बारे में पूछते हैं कि आप वहाँ क्या करते हो, कैसा क्या है, सब उसके बारे में। और तो मेरा केस ये था कि मुझसे नहीं पूछा गया था वो सब चीज़ें, तो पहले तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो अभी, तो मैंने बताया कि मैं अभी PhD कर रहा हूँ, वो कम्प्लीट होने वाला है, तो उन्होंने PhD का टॉपिक पूछा, मैंने वो बताया, फिर उसकी डिटेलिंग, उसे मतलब 6-7 मिनट उसका डिटेलिंग बताने में लगा, उन्होंने थोड़ा समझा उस चीज़ को, फिर उन्होंने पूछा कि आप जैसे हम आपका इंटरव्यू लेंगे टेक्निकल वाला, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट आप प्रिफर करोगे बताने के लिए, तो मतलब जनरली मेरा आंसर ये था कि मैंने अभी PhD कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं था, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पूछिए, मैं बेसिक सारा सब्जेक्ट का पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने भी ऐसा बोला कि मतलब उसी की नीड भी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक है तो बेसिक बेसिक ही ज़्यादा रहता है, सिलेबस तो नियरली बीटेक वाला ही रहता है इसमें। फिर उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट जैसे मास ट्रांसफर से पूछा, नट्स एंड डिफ्यूजिविटी और आगे डिफ्यूजिविटी के बारे में पूछा, और डिस्टिलेशन पे डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने CRE से, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन किए, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन किए, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन किए, CRE से बेसिकली उन्होंने जो रिएक्टर अरेंजमेंट्स वगैरह पे क्वेश्चन जो बनते हैं, रिएक्शन ऑर्डर और रिएक्टर अरेंजमेंट, PFR, MFR पे, उससे मतलब काफ़ी डिस्कशन उन्होंने किया था, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पुटअप किए थे। फिर उसके बाद मतलब 10 मिनट ये टेक्निकल वाला ये चलने के बाद, फिर उन्होंने पूछा कि आप अगर हम बोर्ड पे आपको भेजते हैं तो आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करोगे, तो उसमें भी मैंने ये बोल दिया कि जो भी सब्जेक्ट आप बताएं, तो उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स बोला मेरे लिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर मैंने बेसिक से फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्यों पढ़ते हैं इसको,
ये सारी चीजें बताई, फिर टाइप्स ऑफ फ्लूड वगैरह पे मैं ग्राफ वगैरह बना के उन्हें बताने लगा। फिर उस मतलब 5-10 मिनट मतलब वो भी चला होगा, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब स्टॉप किया, बुला लिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने टेक्निकल पूछा, मतलब इन्हीं सब्जेक्ट से ही। तो ऐसे लगभग आधा घंटा मतलब मेरा इंटरव्यू चला था। तो बेसिकली मुझे ये लगा कि जनरली क्या है, जैसे आप जिस पर्पस के लिए इंटरव्यू लेते हैं, जैसे मान लिया आप इंटरव्यूअर हैं, तो आप मतलब हैं कि हम किस चीज के लिए इंटरव्यू बच्चों का ले रहे हैं, तो वही वो चाहते हैं, वही वो देखते हैं, ना कि वो ये देखते हैं कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ या फिर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है। तो अब जैसे ये क्या है, डिप्लोमा जॉब है, तो डिप्लोमा में जनरली लोगों को पता है कि बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज बच्चों को दिया जाता है, टेक्निकल नॉलेज, जो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से हम लोग हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और मोर फोकस टू प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो उसमें वो भी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप बच्चों को, छोटे बच्चे आते हैं हाई स्कूल पास करके, वो कुछ हाई स्कूल पास होते हैं, कुछ 12th पास होते हैं, तो उनको इस तरह से बताना है कि जो बिल्कुल नॉन टेक वाला पर्सन भी है अगर कोई, वो आपकी बात को समझ जाए, किसी भी टॉपिक को आप। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर मान लिया आपको वो पढ़ाने के लिए बोर्ड पे अगर भेजते हैं, टॉपिक इस तरह से चूज कीजिए कि सामने वाले को, जो अगर केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल ना जानता हो, वो भी उसको समझ जाए, तब वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें चूज करोगे तो उनको समझाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ ही आ जाए सारी चीजें, कि आप चाहे कितना भी आप समझाओ। तो थोड़ा सोच समझ के अपना पहले से ही प्रिपेयर होके जाए तो बेहतर है। तो गाइस जो आप लोगों ने सुना सारी बात, और मैं आप लोगों को जस्ट सजेस्ट कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो आपके एमटेक का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो सकते हैं। जो बीटेक वाले बंदे हैं, जो बीटेक जस्ट कंप्लीट किए हैं या कुछ टाइम पहले कंप्लीट किए हैं, वो अपने बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के जाएं। आपके 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से डीप नॉलेज होना चाहिए। जब आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, आपके सॉफ्ट फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाए, तो आप कम से कम 3 सब्जेक्ट का नाम लें, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा बाकी कोर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, और वहां पर आपको नहीं पता कि आपके पैनल में किस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, तो ये चीज आपको नहीं पता होती। और जब आप सडन पहुंचते हैं, आपने जो 2 या 3 सब्जेक्ट के नाम बताए, वो सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे, तो वो तो अपने वो सब्जेक्ट पूछेंगे जिस सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट थे। सो गाइज, आपको ये चीज बहुत अच्छे से केयर करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है कि आपके जो भी टॉपिक हों, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हों, उनमें से एक टॉपिक और एक आप किसी वो सब्जेक्ट का तैयार करके जाइए जो आपने फेवरेट सब्जेक्ट में नहीं बोला है। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आपके ये 4 फेवरेट सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक आप चूज करिए और वो टॉपिक में 10 मिनट की टीचिंग करके दिखाइए। तो 2 टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं, एक टॉपिक आपका फेवरेट सब्जेक्ट से होना चाहिए और एक टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट का ना हो। उन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए और इतना पढ़ के जाइए कि आप एटलीस्ट 20 मिनट के आसपास उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो भी टॉपिक पढ़िए उसके बारे में आप डीप में एक्सप्लेन कर सकते हो, और उनको इजी वे में एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हो जैसे हम लोग आपको समझा। तो इस तरह से ट्राई करिएगा, और साथ में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाइएगा, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, केमिकल इंजीनियर क्या होता है, केमिकल इंजीनियर का वर्क क्या होता है, केमिकल इंजीनियर अदर इंजीनियर से क्यों डिफरेंट है, और पॉलिटेक्निक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, है ना। गवर्नमेंट संस्था है ये उत्तर प्रदेश की, तो इसमें क्या क्या है, कैसा है, इस समय इनका हेड कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा नॉन टेक में आपसे आपके सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आप जहां से बीटेक एमटेक पीएचडी कर रहे हो वहां के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक आपका पर्सनल डेटा नहीं लिया जाएगा, बट आपसे आपको कितनी नॉलेज है वो पूछ सकते हैं। और इस समय के जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं, जैसे अभी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो इजराइल का अभी वॉर स्टार्ट हुआ, उसमें आपकी क्या राय है, आप क्या मतलब आपकी थिंकिंग क्या है।
जो चंद्रयान है, जो आदित्य मिशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ये हमारा जो जीरो इमिशन कार्बन वाला है इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा जो लिथियम हमें मिला था अपने इंडिया में तो उसके बारे में हमारा आगे का फ्यूचर क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कशन हो सकता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है। ज्यादा टाइम तो नहीं है, थोड़ा सा मैं लास्ट 3 to 4 days काफी बिजी था, कुछ पर्सनल इशू हो गया था तो उसमें मैं बिजी था, इस वजह से आप लोगों का सेशन नहीं ले पाया। नहीं तो मेरी प्लानिंग थी एक पूरी सीरीज प्रोवाइड करने की जिसमें 3 to 4 इंटरव्यू सेशन आपको प्रोवाइड करूं, बट कोई नहीं, अभी एक इंटरव्यू सेशन में आपको इतना नॉलेज हो गया है। राम सिंह अभी उनका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, सडन एकदम से ऐसा मुझे ये सेशन लेना पड़ा, तो लाइट और इंटरनेट दोनों इशू है तो वो अभी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, बट अभी हमारे साथ कनेक्टेड है। तो राम सिंह आगे और आप कुछ गाइडेंस देना चाहें, क्या आप अपना पीएचडी का जो थीसिस का फाइल या एमटेक का फाइल कोई कैरी करके ले गए थे आप? नहीं सर, मैं कुछ भी लेके नहीं गया था, तो जनरली उन्होंने पूछा था तो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था और बाकी ज्यादा कुछ उन्होंने मुझसे नहीं पूछा गया। तो आपसे एक टॉपिक में टीचिंग भी कराई थी, वो बोर्ड पे थी या बस ऐसे ही खड़े होके बस बोलना था? नहीं नहीं, बोर्ड था सर, बोर्ड प्रॉपर बोर्ड था, वहाँ पर मार्कर या चौक? मार्कर था सर। ज्यादातर पॉलिटेक्निक में तो चौक चलती है, तो ऐसा भी हो सकता है चौक से लिखने के लिए बोल दिया जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आजकल तो पॉलिटेक्निक में भी स्मार्ट क्लासरूम वगैरह सब बन चुके हैं, अब बहुत अच्छा हो गया सर, सब हाईटेक हो गया अब। हाँ सब हाईटेक हो गया है, अगर कहीं मतलब कुछ जगह में भी अगर ना हो तो सब जगह प्रोसेस में है, स्मार्ट क्लासरूम सारे पॉलिटेक्निक में बने हैं, सारी लैब की इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, सारी लैब अवेलेबल है सारे पॉलिटेक्निक्स में, मींस जहाँ नहीं है उनका डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बजट पास किया है पॉलिटेक्निक को डेवलप करने। पहले से भी सर लैब वगैरह जैसे पहले से भी है, जो पुराने पॉलिटेक्निक है वो सब में पहले से हैं, जो नए बने हैं उनमें थोड़ा सा इशू है तो वो अभी रिजॉल्व हो रहा है सब इस समय। अच्छा राम सिंह, एक चीज और मुझे बताना, जैसे मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है कि जो बीटेक किया हुआ बंदा होता है और जो पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा होता है, पॉलिटेक्निक वाले बंदे को कुछ ज्यादा नॉलेज होता है बीटेक वाले से, ऐसा सही है क्या ये बात? ऐसा सर वो तो मतलब किसी जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट पे, तो जनरली पॉलिटेक्निक का एक्चुअली अगर बेस देखा जाए तो यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ज्यादा देना है थ्योरी नॉलेज की अपेक्षा, और बीटेक में थ्योरिकल सब साथ में चलता है, पॉलिटेक्निक में जनरली देखा जाए तो पेपर का लेवल काफी इजी रहता है, तो नॉलेज तो आई थिंक बीटेक वाले को ही ज्यादा रहनी चाहिए और होगी, क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा रहता है, पेपर भी टफ रहता है, उसके पास बेस होता है ज्यादा पढ़ने के लिए, ज्यादा मतलब समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं पेपर में, जब पेपर ही टफ आता है। वैसे बाकी तो स्टूडेंट अगर अच्छा हो तो पॉलिटेक्निक वाला भी सीखता है, बीटेक वाला भी सीखता है। वैसे अब बीटेक वाले सेकेंड ईयर से ही अवेयर हो जाते हैं और गेट की प्रिपरेशन करने लगते हैं, और देखिए गेट का जो लेवल है वो तो बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों से ऊपर ही है, उसमें आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज होगा, और अब जो गेट लेवल है वो वैसा नहीं रह गया कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, अब ऐसा नहीं रह गया है, कंपटीशन बढ़ गया है और अभी गेट के फॉर्म की भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, पहले 29 सितंबर थी, देन 5 अक्टूबर हुआ, और आईएससी बंगलोर ने सोच लिया है कि अच्छा ये बीटेक वाले कैसे नहीं फॉर्म भरेंगे, मैं तब तक डेट एक्सटेंड करूंगा जब तक ये लोग भर नहीं देंगे, तो मतलब आप बेशर्मी की हद पार नहीं कर सकते, अब आपको भरना पड़ेगा, और अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, जिसने भी नहीं भरा है प्लीज अप्लाई कर दीजिए, है ना। और वैसे आईएससी बंगलोर ने ये भी ऑफिशियल ट्वीट किया है कि 25% एक्स्ट्रा लास्ट ईयर के कंपेरिजन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो मतलब ये है कि इस बार कंपेरिजन बढ़ सकता है, बट मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में तो नहीं लगता, बाकी फाइनल जब डेटा आएगा तब डिसाइड करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, मेरा अभी भी आइडिया यही है कि 12,000 to 13,000 के बीच में ही केमिकल इंजीनियरिंग, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और राम सिंह, और कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो या आप मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जो उनके लिए हेल्पफुल हो अभी इंटरव्यू में?
जनरली सर एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, जैसे आपसे जैसे पूछा जाता है कि आप अपना सब्जेक्ट बताइए, किस सब्जेक्ट से आप बताना प्रेफर करेंगे, तो किसी मतलब इसी इंटरव्यू में नहीं किसी में भी है, तो आपको जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो उनसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसमें डीप नॉलेज रखें, और लेकिन बाकी सब्जेक्ट का भी बेसिक नॉलेज साथ में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा आप बताते कोई सब्जेक्ट हो वो क्वेश्चनिंग दूसरे सब्जेक्ट से करने लगते हैं, तो वो बेसिक नॉलेज बाकी सब्जेक्ट का भी चूज मतलब एक तरह से देखना चाहते हैं, वो इसी वजह से पूछते हैं। तो आप बिल्कुल ये नहीं कि दो तीन सब्जेक्ट ही पढ़ के जाएं, बेसिक दूसरों का भी पढ़ के जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट आपका थोड़ा टच में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई रहेगा। तो इंटरव्यूज में तो मेनली कॉन्फिडेंस ही वर्क करता है, बस तो यही। आपके इंटरव्यू पैनल में तीन लोग थे, तो क्या तीनों टेक्निकल थे? आपसे तीनों टेक्निकल के क्वेश्चन पूछ रहे थे या एक नॉन टेक का या कोई ऐसा कुछ पैनल में आपने कुछ गौर किया हो ऐसा याद नहीं, हो आपको? दो लोग टेक्निकल थे सर, दो लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक नॉन टेक थे। ठीक है, सो गाइज ये मैं आपको जस्ट बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पैनल में तीन ही लोग होंगे, मिनिमम तीन होंगे ही होंगे, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट पांच से ज्यादा पॉलिटेक्निक में नहीं रहते हैं, ज्यादातर तीन या चार रहते हैं। और जैसे कई कमेटी बनाई गई होंगी, कई सेक्शन में आप लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, तो अलग अलग कमेटी बनी होंगी, आपको किसी में भेजा जा सकता है, बस टाइम का बहुत केयर करिएगा, जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है बिफोर टाइम आप पहुंचने का ट्राई करिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बोले गए हैं जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे ओरिजिनल लेकर जाइएगा, और हो सके तो एक फोटोकॉपी का सेट जरूर साथ में अपने लेके जाइए, दो फोटो की बजाय आप तीन फोटो लेके जाइएगा, और जैसा कि अटेस्टेड करके ले जाना है तो वो करवा के ले जाइएगा, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। और मैं प्लान किया था कि इसको लाइव सेशन की तरह लूंगा, बट इतना जल्दबाजी में ये सेशन मुझे देना पड़ा, इसलिए बेटा रिकॉर्डेड में दे रहा हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8317047762, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने सारे लिंक और फेसबुक लिंक या फिर व्हाट्सएप नंबर ये सब ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि किसी को भी नीड हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। और बाकी मुझे उम्मीद है कि राम सिंह ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और मेरे और राम सिंह दोनों की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज, गुड लक, ऑल दी बेस्ट। आप लोग अपना अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन। थैंक यू गाइज, एंड Thank you, sir. And thank you, Ram Singh, for giving your valuable time. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you, all of you. Yeah.